नमस्ते दोस्तों, वाईफाई श्रीराम में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि भारत में नियोजन, तो हम उस वीडियो का जो शेष बचा पार्ट था उसको आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम होगा भारत में नियोजन, प्लान टू इंडिया, यानी भारत में नियोजन कैसे था, नियोजन की सामान्य परिभाषा, कौन नियोजन करता है, उसके बारे में मैं आपको बता चुका था पूरा पूरा। अब जहाँ से अपना पिछला वीडियो एंड हुआ था उससे अपन आगे चलते हैं। तो पिछले वीडियो में अपने चल रहा था नीति आयोग, क्या चल रहा था जी, नीति आयोग। अब देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रथम हम सारे पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ेंगे नीति आयोग के पदेन सदस्य, क्या होते हैं पदेन सदस्य, बहुत ही बार पूछ लिया जाता है बड़े एग्जामों में। तो नीति आयोग के पदेन सदस्य दो है, कितने हैं जी, दो। अब आपको देखना है कि कौन कौन, पहले तो आपको देखना है विवेक देवराय, क्या है विवेक देवराय, यह है दिल्ली के सेंटर फॉर रिसर्च पॉलिसी से, बहुत बार पूछा जा सकता है कहां से हैं, तो दिल्ली के सेंटर फॉर रिसर्च पॉलिसी से। दूसरे हैं उनको अपन कहेंगे वी के सारस्वत, क्या कहेंगे वी के सारस्वत। यह है जी डीआरडीओ, प्रधानमंत्री सुरक्षा कार्य डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वहां से है। तो यह तो हो गए नीति आयोग के पदेन सदस्य। अब हम पढ़ेंगे नीति आयोग के अंशकालिक सदस्य, क्या पढ़ेंगे अंशकालिक सदस्य। तो नीति आयोग के अंशकालिक सदस्यों में सबसे पहले आएंगे गृह मंत्री, तो भारत के उस समय गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, कौन थे जी राजनाथ सिंह। उसके बाद दूसरा आएंगे वित्त व कॉर्पोरेट मंत्रालय या कॉर्पोरेट मंत्रालय, यह अरुण जेटली। उसके बाद तीसरा आएंगे भारत के रेल मंत्री, और रेल मंत्री के रूप में उसमें पद था सुरेश प्रभु के पास, और इसमें चौथे थे भारत के कृषि मंत्री, कौन थे कृषि मंत्री, अर्थात राधा मोहन सिंह। ये चार इसके अंशकालिक सदस्य थे और दो इसके पदेन सदस्य थे। तो पदेन में दो कौन थे, एक तो थे विवेक देवराय, कहां से थे दिल्ली के सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च से, और दूसरे थे वी के सारस्वत डीआरडीओ से। और अंशकालिक सदस्यों में तीन थे, पहले थे गृह मंत्री राजनाथ सिंह, उसके बाद वित्त और कॉर्पोरेट मंत्रालय अरुण जेटली, उसके बाद रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु, और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, ये तीन थे। उसके बाद आएंगे आमंत्रित सदस्य, यानी जिनको बुलाया गया, नियंत्रण दिया गया, आमंत्रित सदस्य। सबसे पहले अपन बात करेंगे स्मृति ईरानी की, कौन थी स्मृति ईरानी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप अपन बात करेंगे थावरचंद गहलोत की, और तीसरे नंबर पे थे हर्षवर्धन सिंह, ये तीन इसके आमंत्रित सदस्य थे, चार इसके अंशकालिक सदस्य थे और दो इसके पदेन सदस्य थे, किसके नीति आयोग। अगर पदेन सदस्य की बात करें तो विवेक देवराय दिल्ली के सेंटर फॉर रिसर्च पॉलिसी, वीके सारस्वत डीआरडीओ से, अंशकालिक गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त और कॉर्पोरेट मंत्रालय अरुण जेटली, रेल मंत्री सुरेश प्रभु, और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह। अगर हम आंतरिक सदस्यों की बात करें तो स्मृति ईरानी, थावरचंद गहलोत, हर्षवर्धन सिंह, ये तो थे इसके आंतरिक सदस्य। तो पिछले वीडियो को मिलाकर और इस वीडियो को मिलाते हुए अपना नीति आयोग का जो कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हुआ। इसी नीति आयोग के तुरंत बाद आएगा नियोजन के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। अब देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया 6 अगस्त 1952 और किसकी रिपोर्ट की स्तुति पर, केसी नियोगी की रिपोर्ट के बाद,
केसी नियोगी समिति की रिपोर्ट के बाद, केसी समिति रिपोर्ट के बाद क्या बनाया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद। अब बात करते हैं इसके अध्यक्ष और सचिव की, अध्यक्ष प्लस सचिव। इसका अध्यक्ष और सचिव वही होते हैं जो नीति आयोग के होते हैं। इसके अध्यक्ष और सचिव वही होते हैं जो कौन होते हैं? नीति आयोग के होते हैं। बात करते हैं हम इसके सदस्यों की, तो सदस्य में सभी राज्यों के सीएम यानी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक उपराज्यपाल या गवर्नर, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल प्रशासक या गवर्नर, यह प्रारंभ में भी थे 1967 में, 1967 से केंद्रीय मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल इसमें शामिल होते हैं। तो इसकी स्थापना की गई 6 अगस्त 1952, किस समिति के आधार पर? केसी नियोगी समिति की रिपोर्ट के आधार पर। इसके अध्यक्ष और सचिव वही होते हैं जो कौन होते हैं? नीति आयोग के होते हैं। अगर हम इसके सदस्यों की बात करें तो सभी राज्यों के सीएम, जितने भी भारत में राज्य है उसके मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश में अगर कहीं पे उपराज्यपाल है तो वो, कहीं पे प्रशासक है तो वो, या कहीं पे गवर्नर है तो वो होगा। 1967 से पहले ये नहीं थे, 1967 में इसे केंद्रीय मंत्री भी शामिल कर लिए। अब हमारे दिमाग में आता है कि नीति आयोग आ गया, नीति आयोग होने के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य क्या है? तो इसके बारे में हम राष्ट्रीय विकास परिषद के नेक्स्ट कार्यों को पढ़ेंगे। पहला कार्य है देश का सामाजिक वह आर्थिक विकास का क्रियान्वयन करना। क्या करना? क्रियान्वयन करना। नंबर दो, देश में संसाधनों का नियोजन करना तथा संसाधनों की उपलब्धता का आकलन करना, आकलन करना। तीसरा कार्य होता है देश में नियोजित रूप से योजना को क्रियान्वयन करना, और चौथा होता है पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को लागू करना यानी उसका अनुमोदन करना। ये चार मुख्यतः कार्य होते हैं किसके? राष्ट्रीय विकास परिषद के। सबसे पहला देश का सामाजिक तथा आर्थिक विकास का क्रियान्वयन करना, देश के संसाधनों का नियोजन करना तथा संसाधनों की उपलब्धता के बारे में आकलन करना, यानी देश का सामाजिक विकास यानी सोशल एंड इकोनॉमिक्स ग्रोथ इन कंट्री, देश में सामाजिक और आर्थिक विकास किस तरह से हो, समृद्धि किस तरह से की जाए, देश में खुशहाली किस तरह से लाया जाए, देश में उपलब्ध संसाधन है उसका किस तरह से उपयोग किया जाए, देश में होने वाली हर संसाधनों की कितनी उपलब्धता है, उस संसाधन का कितने रूप से उपयोग किया जाए, कितने साल वो संसाधन रह जाए, इस तरह की सभी बातों का नियम और नियोजन बनाने का पूरा कार्य है नेशनल स्तर पर राष्ट्रीय विकास परिषद का है। दूसरे पार्ट में यह कहता है, तीसरे में यह कहता है नियोजित योजनाओं को क्रियान्वयन, यानी जो योजनाएं हैं सेंट्रल सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम हैं या जो
विभिन्न प्रकार के अनुसंधान या थिंक टैंक संस्थानों के द्वारा चलाई गई पॉलिसी है उसको फॉलो करना तथा जनता को उसमें प्रसारित करना तथा जनता के वो उसके बारे में जागरूक। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो नीति आयोग है वो पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट बनाता है, प्रारूप बनाता है। नीति आयोग के बाद जो प्रारूप या ड्राफ्ट बनाया गया उस ड्राफ्ट को लागू करने की अंतिम और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, यानी उनको लागू करने का जो कार्यकर्ता या उसको अनुमोदन, इकोनॉमिक्स में अपन अनुमोदन बोल सकते हैं, उसका कार्यकर्ता वो करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो जी देखा हमने राष्ट्रीय विकास परिषद क्या था, इसकी स्थापना कब हुई, इसका कार्य क्या था, इसके अध्यक्ष कौन थे, सदस्य कौन थे, इसके सचिव कौन थे, उसके बारे में हमने पूरा पढ़ा। इसके बाद आएगा अंतरराज्य परिषद। संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतरराज्य परिषद का उल्लेख है। पहले तो अंतरराज्य परिषद होती क्या है उसके बारे में देखिए। अंतर यानी दोनों के बीच, राज्य का मतलब राज्य, दो राज्यों के बीच कोई समिति होगी, कोई संस्था होगी, और वो समिति क्या काम करेगी, दो राज्यों के बीच कोई विवाद है उस विवाद का समाधान करेगी, उस विवाद का समाधान करेगी या उस विवाद के समाधान के सुझाव देगी, उसको हम अंतरराष्ट्रीय परिषद कहते हैं। तो इसका पहला कार्य हो गया राज्य व केंद्र के मध्य विवादों का निपटारा करना, दूसरा दो राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद का समाधान करना, यह कार्य है वह अंतरराज्य परिषद का। अब आपके दिमाग में आएगा कि अंतरराज्य परिषद को गठित कौन करता है, तो अंतरराष्ट्रीय परिषद को गठित करता है भारत का राष्ट्रपति और अंतरराज्य जो परिषद होती है उस परिषद की जो एक स्थायी समिति होती है, क्या होती है, स्थायी समिति होती है, उसका अध्यक्ष हमेशा भारत का गृह मंत्री होता है। कौन होता है, गृह मंत्री होता है। अब इसके संदर्भ में आपको देखना है अंतरराज्य परिषद क्या है, तो दो प्रकरणों के बीच विवाद को मध्यस्थता करने के बीच जो परिषद होती है, इंटर स्टेट काउंसिलिंग, उसको हम अंतरराज्य परिषद कहते हैं। केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का निपटारा करना, दो राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद का समाधान करना, इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय परिषद की जो स्थायी समिति होती है उसका अध्यक्ष भारत का गृह मंत्री होता है। तो जी देखिए हमारा नियोजन का जो बेसिक सामान्यतः नियोजन कैस करता है किया जाता है, नियोजन करने वाले संस्थान कौन थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसी नियोजन के अगले पार्ट में आता है पंचवर्षीय योजना, क्या आती है, फाइव ईयर प्लान, देश के संसाधनों का 5 साल पूर्व निर्धारण बनाकर उसका किस रूप से उपयोग करना है, किस तरह से उसको मैनेज करना है, उसका एक 5 साल का पूरा ब्यौरा होता है, उस 5 साल के ब्यौरे को हम कहते हैं पंचवर्षीय योजना। तो आइए देखते हैं पंचवर्षीय योजना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम पंच वर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना उसका समयकाल है 1951 से 1956, क्या है 1951 से लेकर 1956। अब देखिए अमूमन इससे क्या आते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, तो इसका मॉडल था हेरड डोमर समवर्दी मॉडल। देखिए समवर्दी हर पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ सकते हो, विकास के लिए बनाया गया एक माध्यम है। तो हेरड डोमर समवर्दी मॉडल, इसका उद्देश्य, इसका जो बेसिक फोकस था वो था कृषि और बहुउद्देश्य परियोजना, कृषि और बहुउद्देश्य परियोजना। कौन सी योजना में,
प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना के किए गए प्रमुख कार्यों को देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें 1952 में राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम की शुरुआत की, 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद इसके दूसरे चैप्टर में देखते हैं तो बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना। अब इसमें बहुउद्देशीय में क्या क्या की गई, पहला तो आती है भाखड़ा नागल, दूसरी आती है दामोदर, तीसरी आती है हीराकुंड। ये तीन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को विकसित किया गया किस योजना में, प्रथम पंचवर्षीय योजना में। तो देखिए बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं पंचवर्षीय, प्रथम पंचवर्षीय योजना में। तो पहला क्वेश्चन क्या था, इसका मॉडल, इसका मॉडल था वो था हेरल्ड डोमर मॉडल। इसका उद्देश्य था कृषि एवं बहुउद्देशीय परियोजना का विकास करना। इसका कार्य था वो 1952 में राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई, 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम शुरुआत की गई। इसको अपन राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम को राष्ट्रीय सामुदायिक कार्यक्रम भी बोल सकते हैं, राष्ट्रीय सामुदायिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामुदायिक कार्यक्रम 1953 में, 1953 राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम और बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नागल दामोदर और हीराकुंड स्थापित की गई। यह था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। तो देखो किसी भी कंपटीशन के लिए अपन ने पंचवर्षीय योजनाओं को बेसिक रूप से एग्जाम की दृष्टि से पहली पंचवर्षीय योजना को पढ़ लिया है। और भी देखा जाए तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था वो रखा गया था 5.2, लेकिन यह अपने उद्देश्य से कम प्राप्त कर पाई, 4.71 ही प्राप्त कर पाई। तो इसका उद्देश्य था 5.2 और जितना उद्देश्य था उसमें 4.71% ही यह प्राप्त कर पाई। इसके बाद आती है दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो देखिए हम पढ़ रहे थे दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक। अगर हम दूसरी पंचवर्षीय योजना के मॉडल की बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल था वो था पीसी मेलोनोबिस मॉडल। अगर हम इसके उद्देश्य है या लक्ष्यों की बात करें तो भारी और आधारभूत उद्योगों की स्थापना की बात की गई इसमें। इसके अलावा इसमें इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई राउरकेला ओडिशा पूर्वी जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल पूर्वी ब्रिटेन के सहयोग से, भिलाई छत्तीसगढ़ सोवियत संघ से सहयोग से। इसके अलावा इसमें चित्रंजन लोकोमोटिव की स्थापना की गई। इसके अलावा नारायणपुर केबल फैक्ट्री या केबल्स फैक्ट्री की स्थापना की गई, किसमें, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। इस पंचवर्षीय योजना का मॉडल था वो था पीसी मेलोनोबिस मॉडल। उद्देश्य था भारी और आधारभूत उद्योगों की स्थापना करना। इसमें इस्पात संयंत्र, चित्रंजन लोकोमेट और नारायणपुरा केबल फैक्ट्री की स्थापना की गई। तो यह तो थी अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद तुरंत आएगा अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना? अगर इस तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड देखा जाए तो 1961 से 1966। अगर हम इसके मॉडल की बात करें तो जे सैंडी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था आत्म निर्भरता व स्वायत्त
स्फूर्ति, स्वतः आपूर्ति, स्वतः आपूर्ति, यह इसका उद्देश्य था। अगर हम इस पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1964 में इसके कार्यों की बात करें तो 1964 में UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। उसके बाद इसी के साथ 1964 में IDBI बैंक की स्थापना की गई। इसके बाद 1965 में FCI की स्थापना की गई। 1965 में APC की स्थापना की गई। ये प्रमुख थी। देखिए तो IDB क्या होता है, इंडिया इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। FCI का मतलब होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। A का मतलब एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। इस संस्था के द्वारा बनाए गए प्रमुख संस्था ये चीजें थी। इसके बाद 1964 में बोकारो क्या आता है, बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। और ये बोकारो इस्पात संयंत्र है वो झारखंड में बनाया गया और इसके लिए सहयोग लिया गया, वो लिया गया सोवियत संघ रूस का। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्रमुख बातों को हम देखते हैं। तो इसका मॉडल था जे सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता और स्वतः आपूर्ति। अगर इसके कार्य की बात करें तो 1964 में UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, 1964 में IDBI इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1965 FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 1965 में APC एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन और 1964 बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड सोवियत संघ में स्थापित किया गया। तो आज हमने देखा, पहले तो हमने राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में, नीति आयोग के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय परिषद के बारे में देखा। उसके बाद हमने पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना देखा। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। डेट पहला से पहले 1:30 बजे तक, दूसरा से 3 बजे तक, फिर 4:30-5 बजे तक, फिर रात की 2:11 बजे देखने की बात। चलो मुकाबला हो गया। वीणा पाणी की अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम उत्कृष्ट लगन समन्वय व पूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं तथा भविष्य में भी करते रहेंगे और जो कुछ करनी है उसके लिए नहीं शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। जय श्री राम। आंसर की जल्दी लगा ली। आज का ये बहुत बड़ी सफलता का दिन RS प्रॉपर। थैंक यू पंजाब प्लान शानदार तालियां लोड़ी से कुछ तो करना है। ये पकड़ा उस पानी में डाल दिया जबरदस्त, उसका सांस घुटने लगा, वो ऊपर उठना चाह रहा था, गुरु ने वो जोर से दबा दिया, उसने पूरा जोर लगा दिया और जब 1-2 मिनट तक उसको दबाए रखा और बिल्कुल जब लगा कि अब भी दबाए रखा तो ये मर जाएगा, तब उसको छोड़ा। वो जब बाहर वापिस आया तो उसने कहा, गुरु जी ये आपने क्या किया, मैं तो क्या पी रहा था और आप तो उल्टा मेरे को मारने चले। तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल नाश में आपको कैसा महसूस हो रहा था, जब एक एक सांस के लिए मेरा ये हो रहा था कि पूरी जान लगा लूं किसी तरह से बाहर निकल जाऊं।
तो उसने कहा कि वो जो फीलिंग आपको उस वक्त हो रही थी, वो फीलिंग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हो, वो फीलिंग, वो एफर्ट, वो आप उसमें लगाओगे, वो शिद्दत है। और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो मैं नहीं समझता कि लक्ष्य आपसे, आप क्यों नहीं लक्ष्य हासिल कर सकते। विनोद जी चौहान का भी ये विजय स्तंभ है, ये आप सबके भी, आप पे मैं ले रहा हूँ, आपके विजय के भी।